फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मंत्र कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में दीकू किसे कहते हैं या दीकू की परिभाषा क्या है, इस टॉपिक को देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दीकू की परिभाषा क्या है या दीकू किसे कहते हैं। दीकू शब्द का प्रयोग झारखंड में किया जाता था। दीकू शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो अपने झारखंड में ही दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता था। दीकू का शाब्दिक अर्थ होता है दिक्कत यानी परेशान करने वाला। तो दीकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दिक्कत यानी परेशान करने वाला। वैसे व्यक्तियों को दीकू कहा गया जिनके द्वारा यहाँ के लोगों को परेशान किया जाता था, उन्हें ही दीकू कहा जाता था। सन 1895 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उलगुलान चला। अब सन 1895 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा जी के द्वारा महाविद्रोह चलाया गया। बिरसा मुंडा ने सुदखोर महाजनों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। बिरसा मुंडा जी ने क्या किया, जो सुदखोर महाजन थे, जो जमींदार थे, साहूकार थे, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वे जमींदार एवं सुदखोर महाजन जो कर्ज के बदले झारखंड के आदिवासी वनवासियों एवं मूल वासियों के जमीन पर अपना कब्जा कर लेते थे, उन्हें ही दीकू कहा जाता था। तो वैसे जमींदार या सुदखोर महाजन या साहूकार या मारवाड़ी ग्रुप के लोगों को दीकू कहा गया, जो क्या करते थे, झारखंड के लोगों को कर्ज देते थे और कर्ज के बदले यहाँ के लोगों के जमीन को अपने कब्जे में कर लेते थे। यहाँ के आदिवासी और जो मूलवासी लोग थे उनके जमीनों को अपने कब्जे में कर लेते थे। तो वैसे सुदखोर महाजन या साहूकार या जमींदार को ही दीकू कहा गया। दीकू का एक परिभाषा और है दोस्तों, जो गैर जनजातीय लोग थे जिसके अंतर्गत जमींदार, साहूकार, मारवाड़ी ग्रुप के लोग आते थे, लेकिन वह झारखंड के लोग नहीं थे, झारखंड के मूल निवासी नहीं थे, बाहरी लोग थे, उन्हें ही दीकू कहा गया। उम्मीद है आप लोगों का यह जो कॉन्सेप्ट है दीकू किसे कहते हैं, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, साथ ही क्लास को शेयर भी करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही किसी टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न पूछना है या इसी टॉपिक से कुछ जानकारी और भी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।